हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं डाउन ट्रेंड है, और अभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डाउन के लिए ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे बिना लेवल के। तो देखते हैं, और यहाँ पर हल्का सा गैप अप हुआ है लेकिन ट्रेड लेने लायक नहीं है क्योंकि ऊपर कोई लेवल भी क्लियर नहीं है। नहीं, लेवल है, लेवल है साइड में, लोअर हाई का लेवल है, और वहाँ पे एक पैटर्न भी है लेकिन ट्रेड हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये लोअर हाई का लेवल जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया हुआ है, ये है लोअर हाई का लेवल, और मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और उसके नीचे या तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, और उसके नीचे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो ये की लेवल है इसका, अरे इवनिंग स्टार का की लेवल आपको दिख रहा होगा जहाँ पे अभी मार्केट चल रही है, ये देखो। तो यहाँ से डाउन आएगी, मैं इसका कैंडल रिएक्शन में इस कैंडल का देखूँगा और यहाँ पे श्योर ट्रेड करूँगा। आप देख सकते हो, ये देखो कैंडल ओपन कहाँ हुई, ग्रीन कैंडल के ऊपर। अभी ऊपर जाएगी तो मैं मल्टीपल ट्रेड करूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका प्राइस एक्शन में बता रहा हूँ जो पिछली कैंडल का है, और रिएक्शन में आपको समझ में आएगा। मैंने एक ट्रेड ले लिया, ऊपर जाएगी तो और मैं मल्टीपल ट्रेड ले रहा हूँ, एक और लूँगा। फिलहाल मैं आपको लेवल समझा दूँ, ट्रेड नहीं लूँगा अब इसके बाद। मार्केट का प्राइस कहाँ ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल के ऊपर, और फिर कैंडल कितनी ऊपर गई, और फिर उसकी क्लोजिंग देखो कहाँ पर हुई, नीचे आके जिस प्राइस पर क्लोज ओपन हुई थी उसके उस प्राइस के नीचे आके क्लोज हुई। तो यहाँ पर श्योरिटी किस कैंडल की है आप बताओ? जाहिर सी बात है रेड कैंडल आनी चाहिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं, लेकिन कैंडल काफ़ी ऊपर चली गई है फिर भी मेरे हिसाब से, और मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट दिखा दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है टेलीग्राम पे पर्सनली। कई लोग तो अपना डाउट क्लियर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि सर ये बताइए ये क्यों रेड बनी, ये क्यों ग्रीन बनी। लेकिन कई लोग पूछ रहे हैं कि सर आप $2 का ट्रेड लेना तो कम से कम अपना प्रॉफिट तो दिखा दीजिए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा। फिलहाल ये ट्रेड देख लेते हैं, बिन हो रहा है कि नहीं। देखो मैंने क्या बोला था आपको, ये नॉलेज बहुत तगड़ा नॉलेज मिला होगा इससे और आपके समझ में आया होगा। मैं एक डॉलर और ले ले रहा हूँ, सॉरी $2 का ट्रेड और डाउन के लिए ले ले रहा हूँ, और फिर मैं पिछला समझा दे रहा हूँ आपको। आप देखो उस कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन वाली की उस प्राइस के ऊपर हुई है, और ये वी कंप्लीट करने के लिए आ सकती है मार्केट, और ये कैंडल अगर जो ग्रीन बनी तो ऊपर भी जा सकती है, ठीक ना। तो काफ़ी लोग अपना प्रॉफिट का पूछ रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप रियल नॉलेज जहाँ मिले ना उसको देखो, उसको अपने नॉलेज को बढ़ाओ, और दूसरे के प्रॉफिट पे दोस्तों परेशान मत हो। उसका 10 हो रहा है, 20 हो रहा है, 50 हो रहा है, 100 हो रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारा करते हैं, तो उससे क्या मतलब है? हमें रियल नॉलेज कहाँ मिल रहा है ये हमें इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम सीखने आए हैं ना, किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस नहीं देखने आए ना। और फिलहाल आज 2 जून है, तो मैं आज का जो भी सुबह का मैं मॉर्निंग में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको मैं अभी दिखाऊँगा। और मेरा टारगेट अभी $20 का है, $20 का जैसे ही पूरा होगा फिर मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा मैं, और फिर शाम के टाइम जब भी टाइम मिलेगा या दिन में तब थोड़ा बहुत ट्रेड करूंगा। लेकिन मैं यहाँ ऊपर जो लेवल लगाया है उसको ब्रेक किया है कैंडल ने, देखो इवनिंग स्टार का की लेवल ब्रेक किया है पिछली कैंडल ने, तो यहाँ पे आपके लिए ट्रेड बनता है। एक ट्रेड मैं और ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये लोअर हाई का लेवल ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कल इसको 3 तारीख में लोड करूँगा, अपलोड करूँगा, और बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना डाउट क्लियर कीजिए। जो भी वीडियो में मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, अगर जो नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है मैं समझा रहा हूँ तो सही है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेलीग्राम पे आइए और वहाँ पे फिर बात करते हैं, आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो दूसरे के प्रॉफिट को मत देखिए दोस्तों, अपना नॉलेज बढ़ाइए, और यहाँ पर लग रहा है मेरा ट्रेड लॉस हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मेरा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मैं आपको सब दिखा रहा हूँ, कुछ इसमें छिपाने वाली बात नहीं है। देखो एक विन हुआ, एक लॉस हो गया। अब फिलहाल हम वेट करते हैं कुछ देर, या तो कैंडल ऊपर जाए उसको ब्रेक करके निकले फिर लेते हैं। $10 तक का प्रॉफिट हो गया अपना, और अभी वेट करेंगे $10 और बना के, उसके बाद में तब फिर क्लोज करेंगे। और मेरे नॉलेज के हिसाब से आप देख सकते हो ना, मैं चाहूँ तो $10-$5 का भी ट्रेड लेके विन कर सकता हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, मैंने 100-200, 200-300 एक एक दिन में बनाया है, और एक दिन में लॉस भी किया था। तो उससे मुझे सीख मिला है कि कितना भी नॉलेज हो जाए, अपने अमाउंट को, अपने टारगेट को कंप्लीट कर लो, उसके बाद में
तब उसको अमाउंट को बढ़ाओ। तो अभी टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में दो की जगह पे पाँच भी ले लेंगे, आठ दस भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल बिना टारगेट के तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। और इमोशन, अभी दस दस डॉलर का दो ट्रेड लॉस हो जाए, आपका इमोशन कितना भी अच्छा आप बनाओ ना, बना के रखे रहो साल दो साल से, वो बिगड़ने ही वाला है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन दो दो डॉलर का अगर जो ट्रेड लॉस हो जा रहा है, क्या इमोशन उसमें बिगड़ेगा? चलो कोई बात नहीं, दो डॉलर का ट्रेड लॉस हो गया, चार का हो गया, अभी हम शाम तक रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इमोशन जो बिगड़ता है ना, हाई लेवल पे नहीं बिगड़ता है कि अब हम 40 लगाएंगे, 60 लगाएंगे, 80 लगाएंगे, इसी में दोस्तों ये अकाउंट साफ हो, इसी चक्कर में अकाउंट साफ हो जाता है। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, अगर जो आप ट्रेड करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना ये आदत सुधार लें, नहीं तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। दो डॉलर से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, जब आपका टारगेट पूरा हो जाए, आप दो का लीजिए, पाँच का लीजिए, आठ का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक भर आप एक टारगेट को पूरा नहीं करेंगे, अपने टारगेट को पूरा नहीं करेंगे और ज़्यादा अमाउंट लगा देंगे, तो टारगेट तो पूरा नहीं होगा और आपका अमाउंट भी साफ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो ये चीज़ है। बाकी कई लोगों के डिमांड पे मैं कोर्स भी लाने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ छः सात दिन के अंदर, आठ दिन के अंदर कोर्स स्टार्ट करूँ। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। तो आपको भी अगर जो इसी तरह से नॉलेज लेना है तो मेंटरशिप में आ जाओ और अच्छे से सीख के फिर प्रॉफिट करो। आखिर इतना मार्केट में लॉस कर रहे हो तो थोड़ा बहुत सीखने में लगा दो। और मैं कोशिश करूँगा जो भी फीस होगा, और क्लास के लास्ट में दो दो पाँच पाँच डॉलर का एक टारगेट रख के 10 मिनट का टाइम निकाल के उसको रिकवर भी करवा के सबको धीरे धीरे, वो जो भी फीस होगा वो वहीं से रिकवर भी हो जाएगा। मेरा प्लानिंग तो फिलहाल यही है, देखेंगे। फिलहाल हम सिखाने के लिए आए हैं, फिर प्रॉफिट लॉस तो बाद में करेंगे। तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ये ऊपर के साइड में वी कंप्लीट कर सकता है, और ये नीचे लोअर हाई का जो लेवल है इसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है मार्केट, बीच से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड करने लायक अभी नहीं है। अदर देख लेते हैं किसी पेयर पे जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर उसी पेयर पे हम आ गए हैं। पहले वाले देखो, मैंने कहा था ना यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, आपके सामने है रिजल्ट। अभी देखना ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो श्योरिटी यही रहेगी कि ये ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ जाए। फिलहाल देख लेते हैं। तो इसने तो ब्रेक कर दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया, और गैप डाउन करने का कारण ये है कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऊपर कोई लेवल नहीं है। तो मैं यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि जब मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया था, देखो मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया, लेकिन थोड़ा गलत एंट्री लगी है मुझे, और थोड़ा ऊपर लेना चाहिए था जिस प्राइस पे पिछली कैंडल क्लोज हुई थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मैं मल्टीपल ट्रेड यहाँ नहीं लूँगा, एक ही ट्रेड लूँगा। और देख रहे हो ना गैप डाउन क्यों किया, उसने ऊपर किसी लेवल को टच भी नहीं किया। आप देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो लगाया हुआ है मैंने, अगर जो इस कैंडल तक इसकी क्लोजिंग हुई तो फिर मैं अप के लिए जाऊँगा, अदरवाइज वेट करेंगे। आप देखो यहाँ पे ऊपर कोई लेवल नहीं था और उसने बिना मतलब के गैप डाउन किया, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी श्योर थी, और यहाँ पे हो सकता है ये कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए आई हो, इसलिए मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ने इसी पे सबका ट्रेड लॉस होता है। देख लेते हैं, और ये देखो इसने भी गैप अप किया, लेकिन ये नीचे नहीं आएगी दोस्तों। मैं यहाँ पे अप के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ, देखता हूँ। अब इसे अभी डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ से इसने इस लेवल को, लोअर हाई को ब्रेक किया, मैंने एक ट्रेड ले लिया, एक ट्रेड और मैं लूँगा। अरे थोड़ी गलत एंट्री लग गई, ये ऊपर वाला ट्रेड लॉस भी हो सकता है दोस्तों। अब यहाँ गैप अप गैप डाउन का कॉन्सेप्ट देखो क्या है, एक लोअर हाई के लेवल को पिछली मारुबुजू कैंडल ने ब्रेक किया, उसने गैप डाउन किया बिना मतलब के, इसका मतलब कि उस वो या तो रिट्रेस्ट करेगी या तो सेलर ने किया। तो मैं डाउन के लिए ट्रेड लिया, और एग्जैक्टली लोअर हाई के लेवल पे पिछली कैंडल की क्लोजिंग थी, और इसने भी गैप अप किया, लेकिन ये उस लेवल को ब्रेक करने के लिए इसने नहीं गैप अप किया है, ये बायर्स ने किया है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग। फिलहाल देख लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी, क्योंकि वहाँ उस कैंडल ने लोअर हाई के लेवल को टच करके उसी पे क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे हम डाउन के लिए नहीं जा सकते दोस्तों। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है गैप अप गैप डाउन का कॉन्सेप्ट में, नहीं तो बहुत बुरा लॉस होगा उस पर। ये देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर इसने गैप डाउन किया, तो अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये मार्केट अब ख़राब हो गया है। क्योंकि आप देख सकते हो पिछली बार क्यों लिया, क्योंकि वो रिटेस्ट के लिए आ सकती थी, अपना प्रॉफिट $16 हो गया। दूसरी वाली पे क्यों लिया, उसने भले गैप अप किया कि इसने यहाँ पे बायर ने किया है, क्योंकि उस पिछली वाली कैंडल हो सकता है रिट्रेसमेंट करके ऊपर, ये वाली कैंडल ऊपर जाए, इसलिए वो आपके लिए लिया था। और इसने गैप डाउन किया, यहाँ पे कोई रीज़न नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि रिट्रेसमेंट हो चुका है और फिर एक कैंडल और आ चुकी है, तो हम ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे और फिर चेंज करते हैं चार्ट अपना। यहाँ पे भी अप ट्रेंड है, लेकिन ट्रेड लेने लायक नहीं है फिलहाल,
साइड में बड़ी बड़ी बिक है तो श्योरिटी नहीं है, वहाँ से मार्केट डाउन भी आ सकती है। दूसरे पेयर पे चेक कर लेना है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और ये लोअर हाई का लेवल अगर जो ब्रेक हुआ तो मैं डाउन के लिए जाऊँगा, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा मार्केट का। तो दोस्तों आपको चार्ट एनालाइज करना भी आ गया होगा मेरा वीडियो देख देख के, अगर जो नहीं आया है तो आप टेलीग्राम पे आओ और अपना डाउट क्लियर करो कि सर चार्ट कब चेंज होता है, मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होता है। यहाँ पे मैं डाउन के लिए जाऊँगा क्योंकि पिछली कैंडल देखो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं और मैं डाउन के लिए ट्रेड ले ले रहा हूँ। वैसे यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है कि कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए जा सकती है ऊपर और टच करके नीचे भी आ सकती है, और ये देखो मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज हो सकता है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग। फिलहाल देख लेते हैं, ये कैंडल ग्रीन बनी तो मार्केट अप ट्रेंड में फिर से हो जाएगी, और ये रेड बनी तो फिर मेरे हिसाब से इसको अब डाउन ही जाना है, लेकिन एक चैनल में जाना है, एक साथ नहीं जाएगी। बाकी रिजल्ट आपके सामने है, देख लेते हैं। और ये पिछली वाली कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना बढ़िया वैल्यूम है इसका, तो यहाँ पे एक डोजी बन सकती है या जो भी है हो जाए, लेकिन अपना ट्रेड विन हो सकता है यहाँ पे, अभी तो 9-10 सेकंड है और हो भी जाएगा, काफ़ी नीचे आ चुकी है कैंडल। तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो। अगर जो आपको भी इसी तरह से सीखना है तो मेंटरशिप में आ जाओ, मैं बस जल्द ही लोगों की डिमांड पे क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। फिलहाल अभी थोड़ी व्यस्तता थी इसलिए अभी 2-4 दिन का समय लग सकता है, तब तक आप लोग आ जाओ, देखते हैं इसी तरह का नॉलेज अगर जो लेना है तो। और जो भी नॉलेज है अपने पास दोस्तों रियल नॉलेज है, इसमें फेक कुछ भी नहीं है, आपके सामने रिजल्ट है, आप देख सकते हो। वहाँ पे चार्ट सही नहीं था दोस्तों, दूसरे चार्ट पे देख लेते हैं। और यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट था, लेकिन यहाँ से लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा क्योंकि लोअर अब कितना टॉलर प्रॉफिट हो चुका है 17, यहाँ पर लोअर लो ब्रेक नहीं हो रहा है और हाई ब्रेक होता जा रहा है, सॉरी लोअर हाई यहाँ, तो देख लेते हैं अभी ऊपर वाला जब लोअर लो ब्रेक होगा, सॉरी ऊपर वाला लोअर हाई ब्रेक होगा तब जाके हम समझेंगे कि हाँ ट्रेंड चेंज हो चुका है। फिलहाल मेजर ट्रेंड तो चेंज ही हो चुका है, यहाँ भी मार्केट देखो ऊपर भी नहीं जा पा रही है, वही चार्ट है, एक दो लेवल के बीच में मार्केट अभी है, अभी कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं, मैं ऊपर लेवल लगा लूँ पहले फिर बताता हूँ आपको, लेकिन बायर्स नीचे से स्ट्रांगली आ रहे हैं और ये वही चार्ट है जिसमें हम अभी ट्रेड कर रहे थे देखो। और इसने लोअर हाई को ब्रेक किया था और हाई लगा के फिर एक लोअर लो बनाया था, फिर यहाँ से ये लेवल ब्रेक हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी दोस्तों कन्फ्यूजन सा है, दो लेवल के बीच में है मार्केट तो, लेकिन हम इसको नीचे वाले को अभी लोअर लो मान सकते हैं क्योंकि इसने लोअर हाई का लेवल ब्रेक करके एक हाई लगाया था, तो अभी वेट करते हैं। दोस्तों मार्केट का चार्ट एनालाइज करना बहुत ईजी है, बस सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, बस देख लेते हैं। बाकी अगर जो पूरा वीडियो देखोगे तो काफ़ी हद तक सीख जाओगे, और अधूरा देखोगे भाई तो फिर उसमें कमी तो रह ही जाएगी। अब देखो इसने मुझे लग रहा है थोड़ा सा गैप, अरे गैप अप किया है यहाँ पे और बिना मतलब के किया है और लेवल के अंदर किया है, तो मैं डाउन के लिए सोचूंगा अगर जो एंट्री मिली तो, क्योंकि मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेड कैंडल बननी चाहिए। फिलहाल देख लेते हैं, ऊपर मिलेगा तभी लिया जाएगा दोस्तों ट्रेड, नहीं तो अभी तो ये दो लेवल के बीच में है तो कुछ भी हो सकता है, अभी वो गैप भी फिल कर सकती है और नीचे भी आ सकती है। वैसे नीचे आना चाहिए बिना मतलब के, इसने गैप डाउन गैप अप किया है तो नीचे आना चाहिए, इसको एक रेड कैंडल बननी चाहिए। फिलहाल देख लेते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी $20 अपना क्लियर भी नहीं हुआ है तो टारगेट भी पूरा नहीं हुआ। ये देखो ये दो लेवल के बीच में अभी मार्केट है और यहाँ एक एम पैटर्न की तरह भी बन रहा है, मैं आपको चार्ट उस पर दिखा दे रहा हूँ ड्रॉ करके, देखो यहाँ पे एम भी बन रहा है और ऐसे करके ब्रेक करके नीचे भी जा सकती है मार्केट। फिलहाल आपको यहाँ पे मैं चार्ट एनालाइज करना सिखा दे रहा हूँ, ये देखो अब ये कैंडल नीचे आके ब्रेक करेगी तो एम कन्फर्म बन जाएगा और ऊपर जाके ब्रेक करेगी तो एम फेल हो जाएगा। फिलहाल देख लेते हैं, और यहाँ पे ट्रेड लेने लायक है ऊपर उसके लेवल के ऊपर, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ से लो लग चुका है तो इसको ब्रेक करके एक हाई भी लग सकता है, श्योरिटी नहीं है कुछ अभी तो, कंफ्यूजन सा लग रहा है, तो ऐसे जगह पे ट्रेड लेना ठीक नहीं रहेगा। मैंने 2 ट्रेड ले लिया है क्योंकि एग्जैक्ट उसी लेवल पर मुझे ट्रेड मिल गया है, तो देख लेते हैं
ये लॉस भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही ट्रेड लिया है क्योंकि थोड़ा सा बाहर भी लिया है, सेफ़ है एंट्री थोड़ी सी। लेकिन आप देख रहे हो ना, लो लगा के मार्केट ऊपर ब्रेक भी कर सकती है और एम पैटर्न भी बना सकती है, तो लग रहा है अपना ट्रेड विन हो जाएगा क्योंकि मैंने मेरी एंट्री एकदम परफेक्ट उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे थी। तो दोस्तों लगभग अपना टारगेट पूरा हो ही चुका है और अब $21 हो गया। तो अब दोस्तों ट्रेड मैं नहीं करूँगा, और करना भी होगा तो $1 से ज़्यादा का ट्रेड मैं नहीं लूँगा, मेरा टारगेट हो गया। तो दोस्तों मैंने अपना प्रॉफिट भी दिखा दिया जो भी है आपके सामने है, और सुबह का टाइम है, अभी मैंने $20 कर लिया और वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, तो अब मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ और लूँगा भी तो $1 का। टारगेट होने पूरा होने के बाद मैं दोस्तों ज़्यादा अमाउंट का रिस्क नहीं लेता, कम से कम का लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यम बनने की तैयारी में है, लेकिन फ़िलहाल हम ट्रेड नहीं करेंगे, अब समय भी हो चुका है। ये देखो यम बन रहा है, बन भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेरी हो आप टेलीग्राम पे मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो चुका है, बस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।